हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम प्रीपोजिशन का अपना अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा सिंस। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम या पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर के टाइम पे मैंने बताया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम आपका जो होता है वो होता है पूरा एग्जैक्ट टाइम, ना तो आगे ना तो पीछे। और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये क्या होता है कि आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। और फ्रॉम का मतलब होता है से, तो इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो निश्चित समय से अधिक, यानी कि अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया गया है तो उसमें हम निश्चित समय से अधिक यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग से थोड़ा ज्यादा पे हम यूज करेंगे। जैसे कि दिन यानी डेज, मंथ्स, ईयर्स, डेट और टाइम, हम इतने के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही वर्षा हो रही है। सुबह से ही हो रही है कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा फिक्स टाइमिंग नहीं है कि सुबह में कितने बजे से हो रही है या कब से हो रही है, सुबह से हो रही है बस। और यहाँ पे सिंस जो हमारा है वो हमारा प्रीपोजिशन है। देन अगला हमारा देन। देन का मतलब भी होता है फ्रॉम, लेकिन सिंस का मतलब होता है कि हम टाइमिंग के लिए करते हैं, और देन का मतलब होता है किसी भी चीज के कंपैरिजन में, या तो पर्सन होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी कंपैरिजन में हम देन का यूज करेंगे। यूज देख लीजिए, आप लिखा हुआ तुलना या अंतर, उसका कंपैरिजन या फिर डिफरेंस बताने के लिए हम देन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे और उसके, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, मैं तुमसे, मतलब कंपैरिजन किया गया कि मैं तुमसे क्या हूँ, तो लंबा हूँ। तो यहाँ हमारा देन प्रीपोजिशन है। देन अगला हमारा थ्रू। थ्रू का मतलब होता है अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी प्लेस के इंटीरियर को, मतलब इंटीरियर यानी कि किसी भी चीज से आर पार हो जाना, उसके इंटीरियर को हम बोलेंगे थ्रू। यहाँ इसका यूज कहाँ से होता है, से होकर, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर आरंभ से अंत तक, यानी कि पूर्ण रूप से, आरंभ से अंत तक कहने का मतलब कि फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट, या और उसका पूरा कैप्चर होगा। देन से साधन माध्यम की सहायता, यानी कि किसी भी मीडियम के हेल्प में हम थ्रू का यूज करेंगे, या के कारण, या फिर किसी भी चीज का कॉज बताने के लिए, रीजन बताने के लिए हम थ्रू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, दिस रिवर पासिस थ्रू पटना, ये जो नदी है वो पटना से होकर जाती है। तो यहाँ पे हमारा हो से होकर था, तो यहाँ थ्रू हमारा प्रीपोजिशन हुआ। और नदी के बारे में बताया जा रहा है, तो पटना के आर पार, यानी कि पटना से होकर, पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक ये नदी जाती है। देन अगला हमारा थ्रू आउट। थ्रू आउट का मीन्स होता है कि एवरी पार्ट ऑफ समथिंग और वाइल टाइम। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका एवरीथिंग यानी कि स्टार्टिंग टू एंड, बिगनिंग टू लास्ट, ये सारा जो रहेगा वो हमारा थ्रू आउट में आएगा। या उसको मतलब लगातार बोल सकते हैं कि मतलब कंटिन्यूअसली के अर्थ में हम उसका यूज कर सकते हैं। टाइमिंग में, टाइमिंग में हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। जैसे यूज लगातार के अर्थ में, कंटिन्यूअस के अर्थ में हम यूज करेंगे रात भर यानी कि पूरी रात, दिन भर पूरा दिन, महीना भर पूरा महीना, साल भर पूरा साल। जैसे एग्जाम्पल, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, वो पूरी रात मेहनत करता रहा। यहाँ पे थ्रू आउट हमारा प्रीपोजिशन हो गया, वह पूरी रात मेहनत करता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रात भर आ रहा था, तो इसको हम पूरी रात ना कह करके हम बोल सकते हैं वह रात भर मेहनत करता रहा। ठीक है, और अगला हमारा है टिल। टिल का मतलब होता है अनटिल, यानी कि तक। ठीक है, उससे आगे नहीं हो सकता, केवल टाइम। टिल का यूज हम सिर्फ टाइम बताने में करते हैं, जब किसी घटना के पहले का लेंथ ऑफ टाइम को कंसीडर करते हैं तब वहां टिल का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी, मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ है, उस वहां पे हम लेंथ ऑफ टाइम को कंसिडर करेंगे, यानी कि कितने टाइमिंग में हुआ है, कितने टाइम तक हुआ है, फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम टू लास्ट टाइम तक का अगर हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम टिल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वेट टिल मंडे, सोमवार तक वेट करो यानी कि इंतजार करो, तो यहाँ पे हमारा टिल
यानी कि सोमवार एक हमारा लिमिट टाइम दिया गया, सोमवार तक इंतजार करो। तो टिल हमारा प्रीपोजिशन हुआ, तो उसी तरह हम अपना अगला देखते हैं कि अगला हमारा प्रीपोजिशन क्या है। तो चलिए हमारा जो अगला है वो है टू। टू का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में हम टू का यूज करते हैं। जैसे इसका यूज दे देते हैं, अगर हम टू प्लस एडजेक्टिव या फिर टू प्लस या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मतलब हो जाता है को, और अगर किसी भी डायरेक्शन की ओर हम डिनोट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम टू का यूज करेंगे। अगर किसी भी प्लेस या किसी भी टाइम तक का हम बता रहे हैं तो वहां पे भी हम टू का यूज करेंगे। अगर किसी का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पर्सन से, तो हम टू का यूज करेंगे। देन उसके बाद के प्रति। के प्रति बोलने का मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को बोलना है, तो वहां पे हम के प्रति का यूज करेंगे, यानी कि टू का यूज करेंगे। या फिर पहले, यानी कि निश्चित समय अगर एक दिया हुआ है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा पहले अगर हो तो वहां पे भी हम टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, ऑनेस्टी इज अ की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी ईमानदारी है, यानी या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पे हमारा टू हुआ, टू हमारा प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ऑनेस्टी इज अ की टू सक्सेस, यानी कि सफलता की कुंजी ईमानदारी है। तो हम यहाँ पे की मतलब यानी कि सक्सेस के प्रति हम बता रहे हैं, तो हमने टू का यूज करा। देन हमारा अगला है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब भी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, टू और टुवर्ड्स का मतलब सेम होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, और इसका यूज हम करते हैं की ओर, यानी कि किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए, या फिर क्या मोटिव है उसको बताने के लिए, किसी के प्रति यानी कि किसी के लिए बताने के लिए, किसी का रीजन अगर जानना हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के नजदीक का, नियरनेस का अगर वहां पे भाव हो तो वहां पे भी हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड की ओर जा रहा है। तो यहाँ टुवर्ड्स हमारा प्रीपोजिशन हुआ, तो बस स्टैंड की ओर जा रहा है, तो बस स्टैंड हमारा एक डायरेक्शन में ही होगा, तो वहां पे वो जा रहा है, तो यहाँ पे हमने टुवर्ड्स का यूज करा। देन अगला हमारा अप। अप का मीन्स होता है इन अ हायर पोजिशन, ठीक है, किसी भी ऊंचाई का, ऊपर जाने या फिर बढ़ने का अगर वहां पे भाव हो तो वहां पे हम अप का यूज करेंगे। यूज में देख लेते हैं, ऊपर जाने या बढ़ने, वही अभी ऊपर बताया मैंने कि हायर पोजिशन के लिए हम अप का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ मंकी इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, एक बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे अप हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे मंकी क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो वहां पे हमने अप का यूज करा। अगला है हमारा अंडर। अंडर मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी जो भी हमारा थिंग होता है, कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उससे बिलो का जो शो करेगा वो हमारा अंडर रहेगा, ठीक है। इट मीन्स इन और लोअर प्लेस देन डायरेक्टली बिलो, यानी कि अंडर का मतलब होता है कि किसी भी लोअर प्लेस को बिलो से भी, मतलब जो कि नीचे हो, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे यूज में हम देख लेते हैं से कम, यानी कि किसी भी क्वांटिटी में हम अगर देखना चाहते तो लेस देन में हम यूज करेंगे अंडर का। ठीक नीचे, यानी कि ये हमारा बुक हुआ, सॉरी ये हमारा पेन हुआ, ये हमारा बुक हुआ, तो यहाँ बुक पेन के नीचे बुक है, यानी कि ठीक नीचे में है, तो यहाँ पे हमने अंडर का यूज करा। अवस्था यानी कि किसी भी सिचुएशन में, अगर सिचुएशन अंडर में है तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। देन अधीनता यानी ड्यूरिंग के लिए, रीजन बताने के लिए, के समय के लिए हम अंडर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख के चलते हैं। एग्जाम्पल में, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठ रही है, तो यहाँ पे ठीक नीचे है, टेबल के ठीक नीचे है, तो हमने अंडर का यूज करा है। वैसे ही हमारा अगला है अपॉन। अपॉन का मीन्स होता है जनरली ऑन, यानी कि ऊपर, ठीक है, किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर वो वहां का भाव हो तो हम वहां पे अपॉन का यूज करेंगे। जैसे कि अपॉन का यूज के लिए है कि पर, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर उछलती हो, ठीक है, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर उछल रही है, उछलने का भाव हो रहा है, यानी कि
वो मोशन में है, ऐसा नहीं कि वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वहां पे हम अपॉन का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल, अ बर्ड इज सिटिंग अपॉन द ट्री. अ बर्ड इज सिटिंग अपॉन द ट्री, यहाँ पे सिटिंग छूट गया था. अपॉन हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कि एक पक्षी पेड़ के ऊपर बैठ रही है, तो यहाँ पे उसका मोशन शो हो रहा है, तो मोशन के लिए हम अपॉन का यूज किए. तो वैसे ही हम अपना अगला यूज देखते हैं. तो चलिए, हमारा अगला है अप टू. अप टू का मीन्स होता है टेलिंग लास्ट, यानी कि लास्ट पॉइंट को बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं. जैसे इसका यूज देखिए, सीमा यानी कि बॉर्डर को ये बताता है, बाउंड्री लाइन को बताता है. यह दर्शाता है कि अमुक चीज यहाँ से आगे नहीं है, या अंत को बताकर शांत हो जाता है. यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अप टू हमें ये बताता है कि कोई भी एक किसी भी एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि एक मतलब एक लास्ट पॉइंट पे आकर के खत्म हो जाता है, और इसके आगे उसके आगे मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं रहता, कोई भी लाइन नहीं रहता है. जैसे एग्जांपल, दिस रोड लीड्स अप टू भगवा, यानी कि यह सड़क भगवा तक जाती है. यहाँ पे अप टू हमारा प्रीपोजिशन, यानी कि यह सड़क भगवा तक जाती है, ये भगवा से आगे नहीं जाएगी. भगवा इसका लास्ट डेस्टिनेशन है, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं. लास्ट डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं. उसके अगले है हमारा विद. विद मीन्स होता है इन द कंपनी ऑफ समथिंग और समबडी, यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी होना चाहिए, यानी कि उसके साथ में हमारा अटैचमेंट होना चाहिए. जैसे इसका यूज हम करते के साथ, एक साथ, साथ साथ. अगर हमें किसी का विरोध करना है, अगेंस्ट में जाना है, तो उसके लिए भी हम विद का यूज करेंगे. या फिर किसी से हमें सहमति की जरूरत है, तो वहां पे भी हम विद का यूज करेंगे. या फिर के बावजूद के लिए हम विद का यूज करेंगे. और फिर अगर किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के साथ में ये डिटैचमेंट का हो रहा है, यानी कि अलगाव का भाव हो रहा है, तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल में लेके चलते हैं, द गर्ल इज सिंगिंग विद अ बॉय, लड़की लड़के के साथ गाना गा रही है. तो यहाँ पे के साथ बोला जा रहा है ना, तो हमने विद का यूज किया, लड़की लड़के के साथ गाना गा रही है, विद हमारा प्रीपोजिशन हुआ. उसी तरह अगला हमारा विद इन. विद इन का मतलब होता है आफ्टर, नॉट मोर देन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, विद इन का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में. लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, यानी कि एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं. इसका यूज हम देख लेते हैं. मे यानी कि कम समय में, लेस टाइम के लिए हम यूज करते हैं विद इन का. किसी भी प्लेस में मतलब उसका अंदर जाना या फिर भीतर जाने के सेंस में हम करेंगे विद इन का यूज. या फिर निश्चित समय के अंदर, यानी कि जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, उससे आगे ना जाकर के उसके कम में ही हम विद इन का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल, आई शैल मीट यू विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर मैं तुमसे मिलूंगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे निश्चित समय दिया, एक साल, उसके अंदर में तुमसे मिलूंगी, यानी कि निश्चित समय के अंदर में ही यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो होगा, तो वहां पे हमने विद इन का यूज किया. उसके अगले हमारा विदाउट. विदाउट मीन्स होता है नॉट हैविंग, नॉट यूजिंग और टेकिंग समबडी, यानी कि किसी भी पर्सन के बगैर कोई अगर काम हो रहा, किसी भी मीडियम के बगैर अगर कोई काम हो रहा है, तो वहां पे हम विदाउट का यूज करेंगे. जैसे यूज के बिना या के बगैर, यानी कि किसी भी मीडियम के बिना अगर कोई काम हो रहा है, तो वहां पे हम विदाउट का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल, ही कैन नॉट कट द पोटैटो विदाउट अ नाइफ, वो चाकू के बिना आलू नहीं काट सकता है. तो यहाँ पे जो चाकू हमारा वो मीडियम है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो आलू नहीं काट सकेगा. तो विदाउट हमारा प्रीपोजिशन हुआ, तो यहाँ पे हमने मीडियम के लिए यूज किया है, तो हम यहाँ पे विदाउट का यूज किए. देन अगला हमारा वर्ड. वर्ड मीन्स होता है एबल, यानी कि योग्य. योग्यता जहाँ पे दिखाया जाता है, वहां पे हम वर्ड का यूज करेंगे. और जो होता है वर्ड में, जो हमारा वर्ब आएगा वो हमारा जीरंड के रूप में होगा. ठीक है, आपने जीरंड पढ़ा होगा, वर्ब पढ़ा होगा, तो उसमें वर्ब जीरंड होता है, तो उसके रूप में रहेगा. यानी कि जो हमारा जीरंड होता है वो किसी भी भर्ब के आगे अगर आई एन जी लग जाएगा, तो हम उसे भर्ब जीरंड बोलते हैं.
इसका यूज हम करते हैं के योग्य, यानी कि किसी की योग्यता दिखाने के लिए हम यूज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी पर्सन का भी हम योग्यता दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। इसमें वर्ब जीरंड के रूप में रहता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसमें वर्ब जीरंड के रूप में रहेगा, यानी कि वर्ब के लास्ट में आई एन जी लग जाएगा, तो उसे हम वर्ब जीरंड बोलेंगे। और एग्जाम्पल है इसका, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यानी कि ये बुक पढ़ने योग्य है। तो यहाँ पे इस बुक के बारे में योग्यता बताया गया है कि हाँ इस बुक के मतलब पढ़ सकते हैं हम, तो यहाँ पे हमने वर्ब का यूज किया। तो चलिए हमारा प्रीपोजिशन का सारा यूज यहीं तक खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछिए। और हाँ, जो भी इसका डाउट होगा तो वो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं, आकर के आप उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।